नमस्कार, मैं योगिता महेश्वरी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोकल 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वक्त मैं आप सभी को लेकर आई हूं फरीदाबाद जिले के सेक्टर 7 में, जहां आज खास तौर पे बात यह है कि आज महेश नवमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसमें क्या खास है हम आपको पहले ये बता देते हैं। दरअसल ज्येष्ठ महीने की नवमी तिथि के दिन महेश नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो आइए सीधा महेश्वरी समाज से जानते हैं कि महेश नवमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और आज के दिन यहाँ क्या हो रहा है। आपका नाम? राम कुमार राठी। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि महेश नवमी का त्यौहार यहाँ पे हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, प्रभात फेरी निकाली गई, आखिर महेश नवमी का त्यौहार मनाया क्यों जाता है? महेश नवमी हम महेश्वरियों का उत्पत्ति दिवस है आज के दिन, इसलिए ये पूरे संसार में जहाँ भी महेश्वरी हैं सब जगह बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और अब और भी कार्यक्रम होंगे, कल आज शाम को हमारे यहाँ सुंदरकांड का पाठ है, कल हम ये ठंडे पानी की छबील भी लगा रहे हैं, तो ये हर साल ही हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ये विशेष तौर से ही हमारा उत्पत्ति दिवस है महेश्वरियों का। तो अभी हमने यहाँ पे हम आपको और भी ऐसे विजुअल्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जिसमें प्रभात फेरी निकाली गई। ये जान लेते हैं कि प्रभात फेरी क्या होती है। जय महेश, मैं राकेश सोनी, सह सचिव महेश्वरी मंडल फरीदाबाद। ये प्रभात फेरी हम महेश्वरी को पूरे हिंदुस्तान में हर जगह वहाँ सुबह सुबह प्रभात फेरी निकालते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं और उसके बाद दिन भर का प्रोग्राम होता है और शाम को हमारे यहाँ पे, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि शाम को सामूहिक सुंदरकांड और सहभोज का प्रोग्राम है, वैसे हम यह सब आज के दिन मनाते हैं और भगवान महेश से प्रार्थना करते हैं कि हमारा समाज खुशहाल और स्वस्थ रहे। हमें अपनी संस्कृति से, अपने रूट से बहुत अटैच रहना चाहिए भले ही हम आगे बढ़ जाएं। इस बारे में भी जान लेते हैं कि ऐसा क्यों ज़रूरी है। जैसे हम देखते हैं आज की जनरेशन सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है, उनसे भगवान के बारे में कुछ पूछो तो सिर्फ रील्स और सिर्फ इन्हीं सब कामों के लिए वो सिर्फ भगवान को, भक्ति को, अध्यात्म को याद करते हैं। तो आइए अब इस पर भी जान लेते हैं कि आखिर आज की जनरेशन को, यानी हमारी और आपकी जैसी जनरेशन को, भगवान या भक्ति में लीन होना क्यों ज़रूरी है। जय श्री कृष्णा, मैं सीमा मुंदड़ा, हरियाणा पंजाब प्रदेश अध्यक्ष। मैं ये बताना चाहूँगी कि ये हमारा जो महेश्वरी समाज का ये जो पर्व है, ये महापर्व है, जैसे कि होली और दिवाली उसी प्रकार हम इसको मनाते हैं। और इसमें सभी पूरे ऑल इंडिया में हम महेश्वरी समाज पूरा प्रभात फेरी निकालते हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम युवा वर्ग को भी साथ लें, क्योंकि आजकल जनरेशन सारी चीज़ें भूलती जा रही है, तो उनको हम आगे लाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम रखते हैं। जैसे कि आज भाई साहब ने बताया कि सुंदरकांड का पाठ है, तो उसमें युवा वर्ग हमेशा आगे रहेगा, इसी लिए मतलब हम लोग यह सब चीज़ें करते हैं। और अभी हाल ही में 8 जून को हमने साड़ी वॉकेथन किया था, उसमें हम महिलाओं को साड़ी पहनने के लिए प्रेरित कर रहे थे, इस वजह से कि भी आज सब महिलाएं साड़ी अपनी जो यूनिफॉर्म है पहनना भूलती जा रही है, इसी की वजह से हमने ये साड़ी वॉकेथन किया था और हमारी संस्कृति को हमने याद दिलाया था। यहाँ पे भी आज हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तमाम जितनी भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं सभी ने साड़ी में एक सुंदर सी वेशभूषा में है। तो ये भी जान लेते हैं क्या इसके पीछे कोई ड्रेस कोड था या क्या कुछ पहले सब कुछ निर्धारित किया गया था इसके बारे में। हाँ, मैं ममता भट्टर, महिला मंडल सचिव। ये महेश्वरियों का महापर्व है, इसे हम हर वर्ष बहुत खुशी हर्षोल्लास से मनाते हैं सबके साथ और युवाओं को भी प्रेरित करते हैं कि अपने संस्कारों को आगे ले जाने के लिए उनका आना बहुत जरूरी है। तो जय महेश, जय महेश। जैसा हमने यहाँ पे देखा आप सभी साड़ियों में मौजूद हैं, बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ, तो क्या ये सब कलर कोऑर्डिनेशन ये सब पहले से डिसाइड किया गया था, क्या थी इसके पीछे की कहानी? जी हाँ, कलर कोऑर्डिनेशन हमें डिसाइड किया था कि एक जैसी वेशभूषा में हम अलग ही एक नारी की सुंदरता अलग ही नजर आती है। तो ये थी हमारी आज की स्पेशल पेशकश महेश नवमी के ऊपर। कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं भावेश लड्ढा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहें लोकल 18।